हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। हमारे इंडिया में भाई टैलेंट की कमी है तो भाई सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन अब फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद उन क्रिएटिव पर्सन लोगों को जो मूवीज में कुछ करना चाह रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनती है लेकिन जो बड़े एक्टर्स या बड़े स्टूडियोज वाले वो लोग स्क्रिप्ट चेंज कर देती है यार, एक्टर्स के हिसाब से होगा सब यार, डायलॉग वैसा, मतलब बहुत सारा सीपी गिरी होती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीडम है और वो फ्रीडम की वजह से ही हमें असुर, मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, फैमिली मैन और कैंडी जैसे शोज देखने को मिले। और आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है अरण्यक। टोटल 8 एपिसोड है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलता है। रिव्यू करने के लिए मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका क्योंकि कुछ लाइफ की दूसरी भी चीजें होती है। खैर, अब मैंने ये शो देख चुका हूँ और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों ने ये शो नहीं देखा तो भाई जाओ सबसे पहले देखो, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। चलिए बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि सेट है हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जगह सनोरा में, जहां पर हमें नजर आता है रवीना टंडन एस कस्तूरी डोगरा। ये SHO है लेकिन इन्होंने 15 साल की अपने ड्यूटी में कुछ भी बड़ा केस नहीं सॉल्व किया और जब भी कोई बड़ा केस आया वो उनके हाथ से स्लिप हो गया और इसी वजह से अब ये 1 साल की छुट्टी पर जाना चाह रही है। और इनके रिप्लेसमेंट में आते हैं अंगद मलिक, जिसका रोल यहाँ पर प्ले किया परमव्रता चट्टोपाध्याय ने। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता जब एक टूरिस्ट यानी कि फिरंगी लड़की मिसिंग हो जाती है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, कैसे ये केस इन्वेस्टिगेट करते हैं और कौन इन्वेस्टिगेट करता है, रणवीर टंडन या परमव्रता चट्टोपाध्याय, और क्या दोनों साथ में करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा इस शो के लिए, आउटस्टैंडिंग, मास्टरपीस, गजब। और जिसने भाई शो को लिखा उसके हाथ चूम लो जाके, सच में जाके चूम लो, क्योंकि एज ए व्यूवर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे रहे हैं और अगर अपने लाइफ के 5-6 घंटे हम लोग किसी पर्टिकुलर शो को देना चाह रहे हैं तो वो शो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जहां पर हमको ऐसे लगे कि हमारे पिछवाड़े पे किसी ने फेविक्विक लगा के वहां पर बिठा दिया हो और इतना इंटरेस्टिंग हो कि भाई सांस लेने तक की फुर्सत ना हो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, सांस लेने तक की नहीं, सॉरी, पॉटी जाने तक की फुर्सत ना हो। क्या शो में के कैरेक्टर्स की बात को तो हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से लिखा और हर एक कैरेक्टर के अंदर एक अलग सीक्रेट हमें नजर आता है, जैसे ऐसा लगता है कि यार कुछ छुपा रहे हो। और यही चीज इस शो की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और सच बताऊ कि ऐसे शो में ना ऑडियंस का जो दिमाग है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए कि भाई कांड किया है किसने। और यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी आपको जो माइंड है कंटिन्यूस चलते रहता है और आपका जो शक बदलते रहता है, साले इसने किया होगा, फिर इसने किया होगा, फिर इसने किया होगा। और मजे की बात है कि जब पूरा आप लोग शो देख लोगे, शो देखने में जब आप लोग सोचोगे तो आपको लगेगा सारा हमेशा डायरेक्टर ने अपने सामने वो चीज रखी और हमको पता ही नहीं चल रहा, और यहीं पर वो बाजी मार लेता है कि यार वाह। और सीरियस इस शो में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जैसे कि नर तेंदुआ। अब इसके रिलेटेड मैं ज्यादा चीजें तो नहीं बताऊंगा लेकिन जितनी भी है अच्छी है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी नर तेंदुआ ही है, क्योंकि नर तेंदुआ के बारे में जितना बताना चाहिए था उतना नहीं बताया, लेकिन जितना ही बताया उसने हमको एक्साइट कर दिया है, किस लिए वो आप लोग खुद समझ जाओगे। शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया, लेकिन सच बता रहा हूँ उस जगह को यहाँ पर मेकर से इतनी अच्छी तरह से उतारा है कि वो खूबसूरत चीज भी आपको डरावनी लगती है। वाह, मजा आ गया। BGM बहुत अच्छा, स्पेशली हर एक एपिसोड के एंड में जब वो सारे कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं टक 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 टक, तो वो BGM आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो सभी एक्टर यहाँ पर कमाल करते हैं, चाहे वो रवीना टंडन हो, चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे परमव्रता चट्टोपाध्याय हो, मेघना मालिक हो, जाकिर हुसैन हो, या वो जितने भी टीनेजर्स है, जितने भी वो नए एक्टर्स है, बवाल, यानी कि परफॉर्मेंस लेवल पे आपको किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं होगी। और अगर भाई शो की कुछ नेगेटिविटी की बात को तो यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे लगी कि भाई कुछ ऐसी भी डेथ्स यहाँ पर बताइए जिसका मतलब लॉजिक नहीं लगा। और एक डेथ तो ऐसी है, मतलब यार उस बंदे की डेथ जो कि कस्टडी में होती है, भाई वो मुझे मजा नहीं आया, ऐसा लगा यार ये कैसा हो सकता है, इतना हलवा है क्या। तो ये एक चीज मुझे नेगेटिव लगी। उसके अलावा कुछ ऐसे माइनर मिस्टेक है इस पूरे शो में जो आपको कहीं ना कहीं फेल्ट होगा, अगर आप लोग बहुत सारे वेब सीरीज देखते हो मेरी तरह तो ऐसा लगेगा, लेकिन वही ना कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर एक जगह कुछ ना कुछ खामियां होती है, परफेक्शन कुछ नहीं होता, और निकालने वाले तो सब चीज में निकाल सकते, तो मैंने भी इसमें कुछ चीजें निकाल लिया, वो बड़ा तोप नहीं किया। अदरवाइज शो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है। अगर पैरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो शो में आपको किसिंग सीन देखने को मिलेगा, रेप सीन देखने को मिलेगा और वायलेंस भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना, घर वालों के सामने थोड़ा सा समझ के चलना, फास्ट फॉरवर्ड कर देना जितने भी किसिंग सीन है और वो रेप वाले सीन में, बाकी अदरवाइज आप लोग बैठ के देख सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, डेफिनेटली 10 out of 10 दे देता रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, अगर आपको देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसका Season 2 आएगा, Season 1 में हालांकि कहानी खत्म हो चुकी है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए Season 2 डेफिनेटली आएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, और हाँ
ज्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करो, बताओ ये शो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।